आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज, उपस्थित है जनपद गोरखपुर में। और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 28 मानसरोवर नगर में। और मानसरोवर नगर के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं मुकेश चंद्रा जी। और मुकेश चंद्रा जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जब आप प्रचार प्रसार के लिए चल रहे हैं अपने वार्ड संख्या 28 में, तो क्या समस्याएं निकल करके आ रही हैं, क्या लोग आपके सामने साझा क्या कर रहे हैं, किन समस्याओं को? समस्या तो सबसे पहले देखिए सफाई का ही नज़र आ रहा है सामने, फिर नाली कवर सारी टूट गई है, गंदगी सामने नज़र आ रही है, और एक पोल गिर गया अभी मोहल्ले में, एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर लोग बच गए, मतलब खतरा भाई साहब सामने हैं वो जानते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक सामुदायिक भवन बनवाना है लोगों के लिए जो टूटा पड़ा है, एक शौचालय एक्स्ट्रा चाहिए, शौचालय की ज़रूरत है, वहाँ छोटा पड़ रहा है शौचालय, ये सब की ज़रूरत है। सर, आप चूँकि युवा हैं, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? युवाओं का समर्थन है और बुज़ुर्गों का भी समर्थन है हमारे साथ, यहाँ की महिलाओं का भी समर्थन है। बात करते हैं आपके एजुकेशन की, शिक्षा कहाँ था? शिक्षा MA BEd हमने लिखा भी है उस पर, MA है BEd है। सर, इतना शिक्षा लेकर के आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? नौकरी से? नौकरी जब नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा, उम्र भी निकलता जा रहा है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेरोजगारी आ गई है तो फिर राजनीति में ही अब आ जाए, क्या किया जाए, नहीं कुछ हो रहा है। तो सर, हम देखे हैं जैसे ही हम आपके वार्ड में एंट्री किए हैं, देखे हैं तो देख रहे हैं नाले बड़ी जर्जर है, नाली का बहुत समस्या है, नाले बहुत जर्जर है, तो इस पर क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे? उसी के लिए सारा काम करना है हमको, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराना है मोहल्ले के लिए, सारी चीज़ जो इमरजेंसी में लोगों को काम आए। वार्ड संख्या 28 मानसरोवर नगर की जनता अगर मुकेश चंद्रा को अपना पार्षद बनाती है, तो मुकेश चंद्रा जी विकास के क्षेत्र में वार्ड संख्या 28 को क्या देंगे? वही तो बता रहे, एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था किया जाएगा, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाएगा, और भी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। खाली चुनाव के पहले कह रहे हैं कि करवो करें? नहीं, किया जाएगा। हाँ, नहीं जनता कहती है कि चुनाव के पहले तो मिल जाते हैं लोग। काम है कहना, हमारा काम है काम करना। अब मैं कहते हैं लोग कि चुनाव के पहले कह देते हैं लोग, चुनाव के बाद तब मोबाइल नहीं लगता है, जीत जाते हैं पार्षद लोग। आपका लगेगा ना? नहीं, हमारा लगेगा। तो जब आप चल रहे हैं सर वार्ड में, आप बहुजन समाज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं बैनर से, बैनर तले, तो थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी पे भी बात हो जाती है कि देखा गया है विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे गया है, एक सीट निकाल पाई, तो क्या लग रहा है नगर निकाय के चुनाव में अपना जलवा बिखेर पाएगी? हाँ, बिखेरेगी। हाँ, हर जगह का अलग अलग, चुनाव का अलग अलग वो है, जगह जो है दूसरे जगह में सम्मिलित कर। क्या कहेंगे सर, नेताजी काम हम करा पाएंगे? नेताजी काम कराएंगे, हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने दिल से बोल रहे हैं, और चले के बाद ये गायब नहीं होंगे? नहीं, गायब नहीं होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, गायब नहीं होंगे। या जब भी कोई नागरिक इस क्षेत्र का अगर फोन लगाएगा इनको, तो फोन उठेगा, मोबाइल उठेगी, और लोगों की समस्या सुनी जाएगी। सर आई दिखाई देंगे चाचा? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आसपास अधिकारी बिल्कुल, क्यों नहीं बात पाएंगे? क्या कहेंगे भैया नेताजी? एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है ये अपनी बात को रख सकते हैं, और यहाँ पे तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो जिनका एजुकेशन भी कम है, और शिक्षित नहीं रहते। हाँ, तो जब शिक्षित नहीं रहे तो उनको अपने वार्ड के बारे में जानकारी नहीं, अपने काम के बारे में जानकारी नहीं रहेगी। कम से कम इनको तो जानकारी भी है राजनीति की, और प्लस पढ़े लिखे हैं, MA BEd भी हैं, TET भी हैं, काम तो बिल्कुल करा पाएंगे, क्यों नहीं करा पाएंगे। हमारे यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल नाली टूटी हुई है जो 15 साल से यहाँ पे पार्षद सामने, तब नहीं कह रहे हैं सामने, नहीं नहीं, इनके मुख पर कोई बड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि गरीबों की बस्ती है, यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए एक विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल पहले थी वो अब चली गई सड़क पर, अब यहाँ से बच्चे किसी तरह रेंगते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं, आए दिन जो है घटनाएं कैजुअल्टी की होती रहती है। हम चाहेंगे कि इस इलाके में एक विद्यालय बने ताकि गरीब बच्चे यहाँ कम से कम बेसिक शिक्षा तो प्राप्त कर सकें,
ये तो होना चाहिए। सर मैं देखा जाता है कि महिला अपने समस्या बताने में हिचकिचाहट रखती हैं, महिलाएं जो है नेता लोगों के सामने नहीं जाती हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप? हिचकिचाहट नहीं है अभी जी। तो बहुजन समाज पार्टी से आप लड़ रहे हैं, टिकट उकट कन्फर्म हुआ है कि अभी सेटिंग जारी है? नहीं सर अभी तो चल रहा है बातचीत, अभी फाइनल हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा जल्द ही जी। तो बहुजन समाज पार्टी अपना जलवा जो है वो नगर निकाय में दिखाने वाली है आपके? जी जी। क्या कहेंगे वार्ड की जनता से, क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? निवेदन यही करेंगे कि हमारा सपोर्ट करें और अच्छा उनको काम मिलेगा हमसे जी। हम भी अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, वार्ड संख्या 28 मानसरोवर नगर की जनता से भी बता देना चाहता हूँ कि अब की बारी जो है ये व्यक्तिगत चुनाव है, जाति मजहब और पार्टी को छोड़ दीजिएगा और ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा जो आपके वार्ड का विकास कर सके, वार्ड संख्या 28 का विकास कर सके।